हेलो दोस्तों, मेरा नाम भाग सिंह नेताम है और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सरोजा से भूरम दो जाने वाली मार्ग, जो कि मैकाल पर्वत की तलहटी से गुजरी हुई है, का सफर कराने वाला हूं। सरोधा से भूरम दो की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। यह मार्ग मैकल पर्वत के पास से गुजरी होने के कारण सुंदर व काफी आकर्षक है। वर्षा ऋतु के दौरान यह मार्ग और भी खूबसूरत व आकर्षक लगता है। सरोधा भूरम दो मार्ग के मध्य रामचुआ नामक स्थान है, जो मैकल के तलहटी में बसा एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर, हनुमान और लक्ष्मी नारायण के अष्ट मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर जलकुंड पाथवे भी है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा रामचुआ को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरी भरी वादियां और ऊंचे पहाड़ी वाले यह मार्ग आपके सफर को मजेदार और रोमांचक बना देगा। सरोधा भूरम दो मार्ग पर ही ग्राम सरेखा है, जहां पर छत्तीसगढ़ सत्रहवीं सशस्त्र बल का ट्रेनिंग सेंटर व उसका मुख्यालय है। मैकल के तलहटी में बना यह मुख्यालय हरियाली के दिनों में काफी आकर्षक दिखता है। पंद्रह किलोमीटर का यह हसीन सफर कब पूरी हो जाए, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे आप। मैकल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। मैकल पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से लेकर राजनांदगांव जिले तक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। मैकल पर्वत का पूर्वी भूभाग वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि कबीरधाम जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मैकल पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 800 से 900 मीटर के मध्य है। मैकल पर्वत में ही चिल्फी घाटी, अमरकंटक, अचानक मार और कान्हा किसली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। मैकल पर्वत में ही नर्मदा, सोन नदी, वेनगंगा, बंजर, हाफ और सकरी जैसे प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कबीरधाम जिले की बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1176 मीटर है।
पहुंचने से पूर्व जिले की एक प्रमुख व विशेष नदी सकरी नदी की कलकल की आवाज से मन को प्रफुल्लित करने वाली धारा आपको देखने को मिलेगी। कवर्धा की जीवनदानी सकरी नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रृंखला के करियामा नामक गांव से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है। मुख्य रूप से कबीरधाम और बेमेतरा जिले में प्रवाहित होने वाली यह नदी बेमेतरा जिले के दरही नामक ग्राम में हाफ नदी से मिल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में भूरमदेव के पावन धरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।